इतिहास में मैंने कई चुनाव देखे हैं, कई ऐसे संघर्षशील चुनाव भी देखे हैं, लेकिन ऐसा मैंने एक चुनाव आज तक नहीं देखा जो मैंने इस बार मुंगावली और कोलारस में देखा है। इस देश में शांत होके बैठ जाए, कृपा करके बैठ जाए, आपके लोग आपके पीछे लोग बैठे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इस देश और ये जो घोषणा वीर यहां आए थे, घोषणाओं का पुरंदा करके चले गए, जब मैंने इनको सुनाया कि ये लोग विदेशी पंछियों की तरह है, बसेरा करने आए हैं और चुनाव के बाद फुर्र करके उड़ के चली जाएंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं सच्चाई तो चुपती ही है। इसलिए चुनाव के बाद जब मेरा दौरा ऐलान हुआ 7 तारीख का, उसके पहले ही भागम भाग में मेरे अपने शिवराज सिंह जी दोबारा मुंगावली आ रहे हैं, ढोड़िया गांव में जा रहे हैं, आसपास के गांव में जा रहे हैं, और ये सुन लो आप, उन्हीं गांव में जा रहे हैं जहां भाजपा जीती। और क्या कह रहे हैं मन से? मन से ये कह रहे हैं कि जहां वोट मिलेगा वही काम होगा। अगर जो हिंदी में कहावत है कि अभी तो अंगड़ाई है, पीछे से आना चाहिए, अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, अरे शिवराज सिंह जी को सुना दो, अभी तो अंगड़ाई है, अरे नरेंद्र मोदी जी को सुना दो, अभी तो अंगड़ाई है। मैंने सदैव महात्मा गांधी जी का पत्र बनाया और महात्मा गांधी जी की जो सीख रही याद रखना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। ये तो लड़ाई की शुरुआत है। जो भाजपा कहती थी अब की बार 200 पार, जो 2 पार न कर पाई, अब उनको दिखाएंगे कि 200 पार कैसे किया जाता है।